तो जय हिंद दोस्तों, आज मकर संक्रांति है। हमने खाना वाना भी खा लिया है, खिचड़ी उचड़ी, और जा रहे हैं आप लोग को एक वीडियो बना के दिखाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुत्ते के बच्चे भी खेल रहे हैं, ये देखिए ये भाग जा रहा है, देख सकते हैं मकर संक्रांति के दिन ये बच्चे भी दूध पी रहे हैं अपनी माँ का, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोग को चलता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग को वीडियो बना के उसके आगे वाला वीडियो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। आज आपको बताऊंगा प्रेशर गेज के बारे में, ठीक है? आगे चलते हैं तब बताता हूँ। तो आप इस प्रेशर को देख सकते हैं, देखिए ये ऑयल प्रेशर हो गया, ये ऑयल प्रेशर हो गया, ये सेकंड प्रेशर हो गया, ये फर्स्ट प्रेशर हो गया, ये वाटर प्रेशर हो गया, और ये सक्शन प्रेशर हो गया, ये हाई बैंक प्रेशर हो गया, ये मीडियम प्रेशर, और ये लो बैंक का प्रेशर। अब ये प्रेशर कैसे इसमें शो कर रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? आप वीडियो में बने रहिए और देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? देखिए आप इतना समझ गए हैं कि ऑयल प्रेशर हो गया, सेकेंड फर्स्ट वाटर सक्शन, हाई बैंक मीडियम बैंक लो बैंक, ठीक है? अब इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये ट्यूब जा रही है, ये हाई बैंक की, मीडियम की, और ये वाटर प्रेशर की, और ये पीटी लगी है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर इसको कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये देखिए प्रेशर इसमें बता कैसे रहा है। इसमें जो गैस आ रहा है वो गैस का ही प्रेशर इसको बताता है कि हाँ इसमें हाई बैंक में इतना है, मीडियम में उतना है, और लो में इतना है। तो देखिए जो ट्यूब गई है, ये जो तीनों, ये एक दो और ये तीन, ये तीनों ट्यूब कहाँ गई है पहले ये देखिए, ये देखिए ये ट्यूब जो है यहाँ से निकला हुआ है। अब चूँकि देखिए ये जो एक्चुएटर ये बंद रहते हैं, ठीक है? जब मशीन चलेगी तभी शो करेगा कि कितना प्रेशर है, जो उसका प्रेशर जो बढ़ेगा वो आपको शो करेगा। और जैसे अभी मशीन बंद है, बूस्टर अभी बंद है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो जितना प्रेशर उतने में बने रह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कहीं लीकेज नहीं है, अगर इसमें लीकेज रहेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रेशर गिर जाएगा, एक ये कारण हो सकता है, और दूसरा लीकेज नहीं है तो प्रेशर बरकरार है। आप लीकेज की टेस्टिंग हमेशा करते रहिए। अब देखिए कंप्रेसर चला और प्रेशर जैसे जैसे फुल होगा वैसे वैसे वहाँ पे इंडिकेट करेगा, और ये जो ट्यूब गई है वो ट्यूब जाके उसी के अंदर गेज में लगी हुई है। अब देखिए यहाँ से ट्यूब निकल के ये लो का ट्यूब हो गया, ये मीडियम का हो गया, ये हाई का हो गया। इसके बारे में तो मैंने आपको वीडियो में, पिछला वीडियो में बता दिया था, ये पूरा यहाँ से पूरा फंक्शन ये ट्यूबिंग का दिखा दिया था आपको। इस वीडियो का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको मैं आप इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। आप एक सीरियल से वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उसी के लिंक में उसका लिंक रहेगा, उसके पीछे फिर उसके पहले का वीडियो का लिंक रहेगा, आप सब देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी उसका वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया। ये अभी मशीन बंद है इसलिए एक्चुएटर भी ऑफ है, और एक्चुएटर ऑफ है चूँकि जितना प्रेशर है अपने कैस्केड में उतना दिखा रहा है। तो वो तीनों ट्यूब आपकी हाई बैंक, मीडियम बैंक और लो बैंक, इसका हो गया। अब हम पता करते हैं सक्शन का। तो सक्शन का देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों सक्शन का जो ट्यूब गया है वो देख सकते हैं, वो पीछे से गया है, वहाँ से आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ से सक्शन का ट्यूब गया है, ये यहाँ से सक्शन कैसे ट्यूब गया, ऐसे जाते जाते देखिए ये सीधे यहाँ पे लगा है, यानी कि यहाँ से आपको सक्शन का ट्यूब दिखाएगा, क्योंकि एक्चुएटर के पहले का है सक्शन, यानी कि जो एलसीवी में जो गैस है उस गैस के प्रेशर को यहाँ पे सक्शन का प्रेशर शो करेगा। अब हम बात करेंगे ऑयल प्रेशर के बारे में। तो ऑयल प्रेशर में देखिए यह इसका ट्यूब कहाँ से निकला है। तो देखिए ऑयल प्रेशर का जो ट्यूब है, आप ट्यूब से ही जान जाएंगे कि कहाँ से ट्यूब निकला है ऑयल प्रेशर का। तो देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है ट्यूब, ऐसे गया, मैं दिखाता हूँ आगे जाके, देखिए ऐसे आया और यहाँ पे ये सक्शन का ट्यूब लग गया यहाँ पे। इसमें जो है देखिए ये सक्शन का ट्यूब लगा है और ये इसका रेगुलेटर है, ठीक है? यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको बंद कर देंगे तो वहाँ पे ऑयल का प्रेशर एकदम जीरो दिखाने लगेगा, तो इसको बंद नहीं करना चाहिए कभी। और इसका समझ गए आप, आपने दोस्तों ऑयल प्रेशर तक समझ गए हैं, सक्शन ट्यूब के बारे में समझ गए, सक्शन प्रेशर हाई मीडियम लो और ये ऑयल प्रेशर के समझ गए हैं। अब हम सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और वाटर प्रेशर के बारे में समझेंगे। सेकंड स्टेज देखिए, सेकंड स्टेज वो होता है, ये चूँकि
दो स्टेज का ये इंटेंसीफायर है, सेकंड स्टेज तक बनाता है। तो सेकंड स्टेज का देखिए, ये यहाँ से ट्यूब निकला है और ये चला गया सीधे यहाँ पे, यानी कि ये लास्ट वाला जो है यहाँ तक आपका फाइनल डिस्चार्ज हो गया। फाइनल डिस्चार्ज होकर यहाँ पे जो ट्यूब निकला है यहाँ से, ये आपका सेकंड स्टेज का बताएगा कि आपका सेकंड स्टेज में कितना प्रेशर है। और ठीक उसी तरह देखिए, फर्स्ट स्टेज में ये फर्स्ट स्टेज का दिखाएगा, ये जो ट्यूब गई है ये वाली, ये इसके पीछे से है ये वाली, ये यहाँ से गई है और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हो गया। क्योंकि यहाँ से हमारा जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेज का यहाँ पे ये आके ट्यूब इसमें जॉइंट है और यहीं से ये प्रेशर को यहाँ से लेके और ये आपको गेज में चला गया है, ये फर्स्ट स्टेज का दिखा देगा। फिर यहाँ से उसके बाद ये सेकेंड स्टेज के लिए बढ़ जाएगा, फिर डिस्चार्ज उस साइड से होके फिर घूम के आएगा और यहाँ पर आएगा तो ये सेकेंड स्टेज का दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप, सेकेंड स्टेज फर्स्ट स्टेज। अब देखते हैं वाटर प्रेशर के बारे में। तो वाटर प्रेशर का देखिए, वाटर प्रेशर का भी यहाँ से ट्यूब गया है, ये यहाँ से ट्यूब गया है और देखिए वाटर प्रेशर का ये यहाँ पे ये ट्यूब आ गया है। ठीक है, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो वाटर प्रेशर जीरो दिखाएगा, यहाँ पे ये अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि अभी जो वाटर है अभी मशीन चल नहीं रही है। मशीन जब चलेगा तो उसका प्रेशर शो करेगा, मैं आपको मशीन जब चलेगी तब उसका प्रेशर आपको दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा प्रेशर। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में बताऊंगा, पीटी के बारे में, कैसे लैन केबल द्वारा जाता है, जैसे कुछ भी हो, और इस मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में बताऊँगा धीरे धीरे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।